वेलकम गाइस, मैं हूं मोहित गावा। आज आया हूं पोलो हाईलाइन 1.2। ये है गाड़ी के ओनर। क्या नाम है सर आपका? विनोद। गाड़ी का करूंगा रिव्यू, वोल्सवैगन की पोलो 1.2 हाईलाइन। गाइस, इस पोलो में अपने पास तीन मॉडल आते हैं। एक आता है ट्रेंड लाइन, दूसरा आता है कंफर्ट लाइन, तीसरा आता है हाईलाइन। ये हाईलाइन है। इसमें एक्सटर्नल लुक में आपको दिख रहा है अलॉय व्हील है। जो कंफर्ट लाइन है उसमें भी अलॉय व्हील होते हैं, और जो ट्रेंड लाइन है उसमें सिंपल व्हील कवर होंगे। कलर अपना ये सिल्वर है, सिल्की सिल्वर। नंबर हांसी का है, लोकल जहाँ मैं रहता हूँ। ये एक्सटर्नल लुक है। ये बंपर पेंट क्यों नहीं करवाया? पेंट क्यों नहीं करवाया फिर? ये पेंट वैसे ये कहोगे पर पेंट हो रही है, पूरी जेन्युइन गाड़ी, इसलिए पेंट नहीं करवाया। अच्छा, यानी जेन्युइन बताने के लिए गाड़ी इन्होंने पेंट नहीं करवाई आज तक। बढ़िया बात है। ये भी गाड़ी का अगर इंटीरियर देखे तो कुछ इस तरह है। चली कितनी है गाड़ी? है 36,000 जेन्युइन चली हुई है। वाकई में यानी चलाते कम हो, कपड़ा ज्यादा मारते हुए हैं। कपड़ा तो बढ़िया सीट कवर चढ़वा रखे इन्होंने अपने को। 1.2 हाई लाइन में सबसे पहले चारों पावर विंडो देखने को मिलती है, अनलॉक, लॉक, ये मिरर एडजस्टेबल, और अपने को दो एयर बैग मिलते हैं गाड़ी में, एक ड्राइवर एयर बैग, एक पैसेंजर एयर बैग। कंपनी फिटेड स्टीरियो मिलता है, और लाइट वगैरह तो पता ही है आपको पोलो में कहाँ से जलती है। अगर फोग लैंप ऑन करने हो तो इसको पुल करना पड़ता है। फ्यूल टैंक इसका राइट की तरफ होता है, ड्राइवर साइड की तरफ। ये आपको ये दिखा ही रहा है, जो फ्यूल आइकन के बराबर में एरो है। गाड़ी में अपने को स्टेयरिंग पे कंट्रोल भी मिलते हैं, ये एडजस्टेबल। तो स्टेयरिंग एडजस्टेबल हर गाड़ी में होता है पोलो की, बेस मॉडल में भी मिलेगा। सर, एसी वगैरह की बात करें वो नॉर्मली है। 1.2 1197 सीसी का इसका इंजन होता है, और कुछ खास बात नहीं है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, ओवरऑल गाड़ी परफेक्ट है। ये इसका रियर स्पेस है, एक गियर से रख रखी है बंदे ने गाड़ी। बोनट खोले तो गाड़ी का कुछ इस तरह से है। आपने ही रखी है जेन्युइन अब तक है गाड़ी? तो इतनी ही थोड़ी क्यों चलाई गाड़ी? इतना भाई, कोई और भी गाड़ी है क्या अपने पास? i20 भी है। गाड़ी के बूट डोर की बात करें, ये बैक बूट स्पेस है गाड़ी का। ये गाड़ी का कवर है क्या? ये गाड़ी की स्टेपनी है, कोई पीस पेंट नहीं है सर, पूरी जेन्युइन स्टेपनी अनयूज है, कहीं से नहीं लगी आज तक कोई पीस भी। क्या बात है, जेन्युइन कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार है। अच्छा, अब ये मेरे पास आए थे कि गाड़ी भाई सेल करनी है, मेरा नई गाड़ी लेने का विचार है, तो इनसे पूछ लेते कि नई गाड़ी कौन सी लेंगे। तो अपने सेल क्यों करनी है गाड़ी? ये सेल बड़ी लेनी भाई। एक कौन सी लोगे? बड़ी 7-सीटर लेनी। तो इसमें क्या मजा नहीं आ रहा? क्या दिक्कत? 4 या 5 हस्ते है, 7-8-9 भी बैठ सका। अच्छा, तो फैमिली बड़ी है आपकी? 7 या 8 सीटर लेनी है। तो अपनी डिमांड क्या, अगर कोई पूछे तो वीडियो के जरिए आए कोई? 3 लाख रुपए लेनी देनी है। अच्छा, यानी एक फिक्स प्राइस है आपका? प्राइस है 3 लाख रुपए। अच्छा, नॉट नेगोशिएबल? ना ना, इससे कम कुछ भी नहीं। तो गाइस, गाड़ी तो आपने देख ही ली है, मेरे हिसाब से भी गाड़ी जेन्युइन है सारी। बाकी किसी ने भी गाड़ी लेनी हो तो मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो इनको कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकता है गाड़ी की। ओके भाई, ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर गाड़ी ऐसी और देखनी है आपने, अगर आप भी इच्छुक हो गाड़ी लेने के लिए।